ऊना जिले के मकसूदनगढ़ थाना क्षेत्र में चंदेरी नदी को पार करते वक्त दो युवक तेज बहाव में बह गए। पुल के ऊपर से चंदेरी नदी का बहाव जारी था, जिसे नजरअंदाज करना युवकों को भारी पड़ा। बताया जा रहा है कि लापता युवक लटेरी में पंचायत सचिव संदीप विश्वकर्मा था, वहीं दूसरे युवक का नाम नरेश शर्मा था। नदी में बहने के बाद अब तक दोनों लापता युवकों का पता नहीं चल सका। वहीं मकसूदनगढ़ और लटेरी पुलिस द्वारा युवकों को ढूंढने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकसूदनगढ़ से लटेरी जाते हुए दोनों दोस्त जब चंदेरी नदी के पुल पर पहुंचे, तो आवागमन रुका हुआ था। पुल के ऊपर से नदी का पानी जोरों से बह रहा था, जिसके चलते दोनों ओर से आवागमन रोका गया था। लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए संदीप और नरेश ने पुल पार करने की कोशिश की और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में कूद पड़े। लेकिन बारिश के पानी का तेज बहाव उन्हें अपने आगोश में समेट कर ले गया। देखते ही देखते दोनों दोस्त चंदेरी नदी के पानी में बह गए। चेतावनी को नजरअंदाज करना दोनों युवकों को महंगा पड़ा। पुल बहला देने वाली तस्वीरों के बाद लापता युवकों की तलाश की जा रही है। इस मामले में प्रशासन ने दोनों युवकों की मौत की आशंका जाहिर की है। एमपी न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट।